अस्सलामुअलैकुम अल्लाह बरकात। अच्छा भैया, आज मेरे पास एक निशान सनी है, इसके अंदर जो फॉल्ट आया था ना वो मैं आपको ना बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी इसके ऊपर दो तीन दिन लगाने पड़ गए इसके फॉल्ट को ढूंढने में। इसकी ना वायरिंग में ना थी शॉर्टेज, और शॉर्टेज की वजह से जो है ना, ये देखें मैं आपको ना, ये है ECC का ECCS, सही है ना, इग्निशन के नीचे, इग्निशन कॉइल के नीचे वाला, सही है। वैसे ये इग्निशन कंट्रोल ही है, और इसमें जो है ना इग्निशन की सप्लाई ऑन होती है इस फ्यूज के थ्रू से, सही है। ये उसका फ्यूज़ बक्स है, और यहाँ पर इसका ये फ्यूज़ है, ये वाला, सही है। ये इसका फ्यूज़ है, और इसका जो फ्यूज़ आता है वो तकरीबन 20 एम्पीयर का आता है, सही है। तो ये फ्यूज़ यार बहुत मरतबा लगा यार, ये देखो मेरे पास ये देखो ढेर लगा पड़ा है। ये क्या हो गया, एक्चुअली फॉल्ट मिल ही नहीं रहा था। अब डायरेक्ट करंट जो है मैं इसको देना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता था। तो वेल मैंने फिर इसकी शॉर्टेज वगैरह ढूंढी। इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है यानी शॉर्टेज की। समटाइम क्या होता है, रिवर्स गियर की तार जो है ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाती है, यानी बैक लाइट के अंदर इसका जो ग्रिप जो ख़राब होता है, उस वक्त ये प्रॉब्लम जो आती है रिवर्स गियर लगाने के टाइम पे इसका फ्यूज़ जो है ना वो ख़राब होगा, सही है ना। और दूसरा, इसके अंदर कहीं भी इग्निशन स्विच की वायर जो शॉर्ट होगी, और उसकी वजह से भी ये फ्यूज़ बार बार जलेगा। इससे इग्निशन स्विच ऑन होगा, बट लेकिन जो है ना गाड़ी को सेल्फ नहीं लगेगा, सही है। मैं आपको ना दिखाता हूँ इसमें फॉल्ट कौन सी जगह बिता, ठीक है ना। ये देखें इसके ना इन टाइप के रेयर साइज से वो नीचे ये लगा हुआ है अपना सेंसर कैटलक बम के ऊपर, सही है ना, इंगास मफरल के ऊपर, जो कैटलक बम का आती है ना उसके ऊपर ये जो सेंसर लगा हुआ है ना, वो ये सेंसर जो है ना शॉर्ट है। इससे जो है ना देखें, यानी ये इस तरह शॉर्ट होता हुआ ये अपनी जगह से निकल के और ये एग्जॉस्ट मफरल के ऊपर गिर गया। तो एग्जॉस्ट मफरल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर हाई होता है, तो जिसकी वजह से ये पूरा पिघल गया, पिघलने से ये वायरिंग इसने शॉर्ट कर दी है, देखिए, सही है। इसी तरह कहीं पर भी इग्निशन की सप्लाई जा रही होगी तो हम लोग उसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर है, ये देखिए नीचे यहाँ पर ये है, ये ट्रांसमिशन के ऊपर एक स्विच होता है सिलेक्टर स्विच, सेम उसमें भी दो वायर जाती हैं। जैसे ये ट्रांसमिशन का कंप्यूटर है, इसमें भी तकरीबन दो वायर जाती है। तो बहरहाल एक एक करके ढूंढना होता है आपको, जहाँ पे भी इग्निशन की वायर जा रही होती है। तो बहरहाल इसका तो फॉल्ट मिल गया मुझे, तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा, और इससे क्या होता है आसानी होती है सबके लिए। जब मैंने बहुत सारा जो है ना, एक्चुअली ये पार्ट्स मैंने मंगाया हुआ था, मुझे लगता था कि इसका शायद बॉडी कंट्रोल मीडियम या जो है ना उसका DCM काम छोड़ गया, मुझे ऐसा लग रहा था। खैर ऐसा कुछ नहीं था, इसमें थी सिर्फ शॉर्टेज, और शॉर्टेज इंशाल्लाह हमने रिपेयर कर दी है। कल अब इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके चेक करेंगे और क्या कंडीशन है। लेकिन यह है कि वो शॉर्टेज जो थी ना वो इंशाल्लाह कंफर्म हो गया, उसको हमने क्लियर कर दिया। तो जब कभी भी इस तरह का कोई मसला है, जो फ्यूज़ मैंने आपको दिखाया ये फ्यूज़ अगर जल जाए तो उसकी रिपेयरिंग का जो है ना सोल्यूशन कुछ इसी तरह का ही होता है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा आपको खिदमत में हाज़िर होंगे। तो अल्लाह पाक आपके सब की हिफाजत और अमान में रखें, और हमारे लिए दुआ कर दिया करें। तो बस इसके लिए और कुछ भी नहीं कहना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।